नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती। आज मैं बात करूंगा नए वेज कोड की, वेज कोड 2019 जो अगले साल अप्रैल 21 से लागू हो सकता है और इसका असर आप पर क्या पड़ सकता है। आप पर इसका असर ये पड़ सकता है कि आपका जो टेक होम पे है, जो वेतन आपका बैंक में जमा होता है मंथ के एंड में, वो घट सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाए और खर्चे काटने के लिए वो क्या करे, आपका वेतन काट दे या खुदा ना खास्ता आपका छटाई भी कर दे। तो ये सब हो सकता है, कैसे क्यों, इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में। जो लोग प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं वो सब जानते हैं, बात नाम सुना होगा, कॉस्ट टू कंपनी यानी कि CTC का। CTC क्या होता है? CTC जो नए यंग लोग जब नए किसी नौकरी में ज्वाइन करते हैं उनको ये पता नहीं होता है CTC क्या होता है। वो तो चिट्ठी मिलता है HR से और HR की चिट्ठी में लिखा होता है कि आपकी सैलरी होगी 50,000 रुपये महीने का, यानी कि सालाना 6,00,000 रुपये। और यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि महीने में 6,00,000 है, इसमें थोड़ा बहुत बचत कर लेंगे तो टैक्स तो होगा ही नहीं, पूरा 50,000 रुपये अकाउंट में जमा होगा। फ़ोन लगाते हैं, मम्मी मेरी सैलरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई, 50,000 रुपये वेतन मिलेगा हर महीने। मम्मी कहती है बहुत अच्छा बेटा या बेटी, आते वक्त 1 किलो लड्डू ज़रूर लेते आना, पड़ोस में बांटूंगी, इतना अच्छा तुझे नौकरी मिल गया है। खैर, 1 महीना चला जाता है, आप अच्छी तरह काम करते हैं और जब 1 महीना निकल जाता है तो आपकी सैलरी आती है हाथ में। सैलरी क्या है? आप देखते हैं कि बैंक में तो जमा हुआ है सिर्फ 45,000 रुपये, 45,000 से थोड़ा ज़्यादा। तब आप सोचते हैं कि ये क्या हो गया, 50,000 का तो बोला था इन्होंने पैकेज, 45,000 दे रहे हैं। तो आप फ़ोन लगाते हैं HR को और आप कहते हैं, बिल्कुल विनम्र होकर कहते हैं, आप किसी को गुस्सा नहीं करवाना चाहते, तो आप कहते हैं कि सर देखिए, मुझे तो कहा गया था कि मेरी इस पैकेज 50,000 की होगी लेकिन मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 45,200 रुपये आएंगे। तो HR वाले सीनियर मैनेजर आपको बोलते हैं कि अरे तुमने चिट्ठी ठीक से पढ़ा नहीं क्या, ये पैकेज आपके कॉस्ट टू कंपनी है, यानी कि कुल खर्चा जो कंपनी का होगा आप पर, और इसमें दो चीज़ जुड़े हुए हैं, वो है PF जो कि आपके बेसिक पे पर 12% आपका निकलता है और कंपनी 12% देती है। तो आपका, आप लेटर खोल के देखिए, आपका बेसिक पे 20,000 का है और 20,000 पे 12% आप दे रहे हैं यानी कि 2400 रुपये और कंपनी 2400 रुपये दे रही है, तो 4,800 रुपये हुए ना जो आपके प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। अब 50,000 पैक के पैकेज से 4,800 रुपये निकल के जाएगा तो आएगा ना 45,200 रुपये आपके अकाउंट में। तब आप घर जाते हैं, खोलते हैं चिट्ठी, आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, 50,000 कर रहा था, हाथ में तो नहीं आएगा। खैर, आप ये भी नहीं सोचते हैं कि चलिए ये जो पैसा है वो आप ही का पैसा है, आपके PF में जाएगा, आपके लिए बचत होगा, लेकिन आप कहते हैं कि ये तो मुझे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, कल क्या होगा किसने देखा है, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा भाई, आज कोविड आया कल टोविड आ जाएगा, किसको क्या पता है भैया, मुझे तो अभी खर्च करना है। तो आप HR वाले बाबू को फिर से फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि सर आप कुछ ऐसा तरकीब लगाइए कि ये जो आपने बेसिक दिया है, क्योंकि बेसिक पर ही PF कटता है, आप इसको बेसिक को कम कर दीजिए, पैकेज वही रखिए, बेसिक को कम कर दीजिए ना, 15,000 कर दीजिए। तो वो HR वाले मैनेजर आपको कहते हैं कि ठीक है, 15,000 मैं कर दूंगा और आपका जो PF है वो PF आपका 48 रुपये कटता है महीने का, वो घटकर 3600 हो जाएगा और आपके हाथ में 1200 रुपये और आ जाएंगे, यानी आपका टोटल टेक होम, क्योंकि 3600 कट रहा है तो आपका टेक होम हो जाएगा 46,400 रुपये। आप कहते हैं 46,400 रुपये, ये तो 50,000 से फिर भी बहुत कम है, मम्मी के तो मैंने दोस्तों को भी बोल रखा है 50,000 होंगे, कुछ और हो सकता है। तो HR वाले मैनेजर आपको कहते हैं, सीनियर, चलो ठीक है 10,000 कर देता हूँ, 10,000 से कम नहीं हो सकता, बेसिक 10,000 बेसिक कर देते हैं तो आपका महीने में 2400 रुपये कटेगा तो हाथ में 47,600 रुपये आएंगे और आप किस बात का रो रहे हैं, ये पैसा आप ही का है भैया, ये आपके बैंक PF के अकाउंट में जाएगा, अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उस पर आपका ही फायदा होगा जब रिटायर होगे। आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, मन ही मन आप सोचते हैं कि कौन रिटायरमेंट का सोच रहा है भैया, मुझे तो अभी खर्च करना है,
अभी जाना है, जोमैटो पे कुछ ऑर्डर करना है। खैर बात यह है कि अब नया जो कोड है इसमें ये बदलने वाला है। नया जो कोड आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि आपके पैकेज का 50% कम से कम, 50% कम से कम आपको आपका बेसिक होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका पैकेज 50,000 का है महीने का, आपका बेसिक होगा 25,000 का। 25,000 पर आप ले लीजिए पीएफ, कितना कटेगा आपका? 6,000 रुपये। कुल 6,000 रुपये आपका पीएफ कटेगा, क्योंकि ये कॉस्ट टू कंपनी है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन और आपका दोनों मिला के 6,000। यानी आपके हाथ में जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत तरकीब लगाकर अपना टेक होम पे बढ़ा लिया था, 47,600 पर ले गए थे आप, वो फिर से 44,000 पे आ जाएगा। 50,000 का पैकेज आपने सोचा था, टेक होम हो जाएगा आपका 44,000। हाँ, ये सारा पैसा याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सारा पैसा आप ही का है, पीएफ के अकाउंट में जाएगा। रिटायर करेंगे या किसी दूसरे नौकरी में जाएंगे, 5 साल बाद कभी लोन लेना हो ना, उससे आप ले सकते हैं, आप ही का पैसा है, अच्छा इंटरेस्ट आता है, इस पर आप बचत करना चाहते तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि कल अगर सरकार ने पीएफ का रूल बदल दिया तो, पीएफ पे टैक्स दे दिया, डाल दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? पीएफ पे अगर रिटर्न को मार्केट के साथ लिंक कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये सब तो बातें भी चल रही है ना, तो इसीलिए लोगों को इसका भी डर है कि सरकार पीएफ तो बढ़ा रही है लेकिन पीएफ के साथ करेगी क्या, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, कल क्या करेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर ये तो आपकी बात हुई, 50,000 या जो थोड़ा स्टार्टिंग लेवल की सैलरी पे, अच्छा खासा मैनेजर की सैलरी पर काम कर रहे हैं, 50,000 भी अच्छा सैलरी होता है, स्टार्टिंग का तो बहुत ही अच्छा सैलरी है। खैर अगर जो लोग बहुत साल काम कर चुके हैं और उनका जो इनकम है बढ़ गया है ना, 50,000 से बढ़कर उनका 80-90-1 लाख, 1,20,000 के आसपास हो गया है, उनका पैकेज क्या होता है? इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उनका टैक्स कम हो। तो जितने भी टैक्स एग्जेम्प्ट यानी कि जिस पर टैक्स की छूट मिलती है, ऐसे अलाउंसेज होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हुआ, लीव ट्रैवल अलाउंस हुआ, कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ये सब दिखाकर उनका जो पैकेज है उसमें टैक्स कम कर दिया जाता है और जो बेसिक है उसको कम रखा जाता है। तो अब उनका डबल धमाका, एक तो टैक्स बढ़ेगा और दूसरा है टेक होम सैलरी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन का है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट है जो बड़े टॉप लेवल के मैनेजर हैं, सिर्फ सीनियर नहीं, जैसे CFO हुए, CEO हुए, सीनियर मैनेजर हुए, जिनकी सैलरी महीने में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ होता है, इनका ज्यादातर सभी कॉर्पोरेट कंपनियों में ज्यादातर इनका बड़ा पार्ट सैलरी का, पैकेज का, ये वेरिएबल पे होता है, बोनस होता है, अलाउंस होता है, बेसिक बहुत कम होता है, 25-30% से ज्यादा बेसिक नहीं होता है इन लोगों का। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 5 लाख की सैलरी है, 5 लाख पे आप सोच लीजिए कि 1.5 लाख रुपए का बेसिक पकड़ रखा है और 1.5 लाख पे हर महीने कितना देना पड़ रहा है उनको? 36,000 उनका कट जाता है पीएफ का। 1.5 लाख बेसिक है, पैकेज 5 लाख का है, 36,000 रुपये पीएफ का कट के पीएफ में जमा होता है, उनका ही पैसा पीएफ में जमा हो जाता है। अब क्या होगा, 5 लाख अगर पैकेज है, 50% मिनिमम बेसिक होना है, तो वो 2.5 लाख पर पहुंच जाएगा। 2.5 लाख अगर बेसिक है तो क्या होगा कि पीएफ कटेगा 60,000 रुपये, यानी महीने का 24,000 रुपये उनका टेक होम पे घट जाएगा। और अगर टेक होम पे इस तरीके से घट गया तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि देखिए टेक होम पे मेरा घट गया है, आप मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सैलरी बढ़ाइए नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। क्योंकि ये जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं ना, इनको हर वक्त कोई ना कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, कोई ना कोई हेडहंटर ढूंढता रहता है। अगर नहीं ढूंढता तो खैर उनकी नौकरी भी चली जाती है, इनकी छटाई भी हो जाती है, लेकिन वो इतना कमाते हैं 5-10 सालों तक, तो छटाई हो भी जाए तो ज़्यादा फर्क उनका नहीं पड़ता है। खैर वो डराते धमकाते हैं कंपनी को, कहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, कंपनी भी कहती है चलिए आपका टेकों पे 24,000 कम हो गया है तो हम एक काम करते हैं, आपका पैकेज 20,000 बढ़ा देते हैं, इसमें पीएफ कटेगा आपका और भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा बहुत इससे जो कम हुआ है टेक होम पे उसकी भरपाई आप कर पाएंगे। अब ऐसे बीसीओ होंगे, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट या मीडियम साइज के कॉर्पोरेट के लिए ऐसा खर्चा 5-10 लाख बढ़ जाएगा हर महीने, 5-10 लाख बढ़ जाएगा, क्योंकि बीसीओ ऐसे बड़े मैनेजर हैं जिनका उनको टेक होम पे बढ़ाने के लिए टोटल पैकेज बढ़ाना पड़ेगा,
और क्या होगा, खर्च बढ़ गया तो क्या होगा? जब भी कॉरपोरेट का खर्च बढ़ता है, गाज किस पर गिरती है? खर्च कम करने का, जूनियर और नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उन पर। उनकी सैलरी कम होती है, उनकी नौकरी जाती है। एक बड़े आदमी की नौकरी बचाने के लिए बीसियों लोगों की नौकरी चली जाती है या बीसियों लोगों की सैलरी कट हो जाती है। और यही होगा अगर ये लॉ लागू किया जाए, क्योंकि कंपनियां ज़्यादा खर्च नहीं करेंगी। वो खर्च अगर उनका बढ़ गया, सैलरी बिल उनका बढ़ गया टॉप लेवल पर, तो वो क्या करेंगी, बॉटम लेवल पर लोगों की छटाई करेगी या उनका जो खर्चा है वेज का वो कम कर देगी। इसलिए अगर आप टॉप लेवल पे हैं तो आप खुश हो जाइए। खैर, आपका टेक होम पे थोड़ा घट जाएगा, लेकिन ये होगा क्या होगा, आपका पीएफ बढ़ जाएगा। हाँ, सरकार ने कहा कि ग्रेच्युटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लेकिन जो लोअर लेवल के लोग हैं उनके लिए परेशानी होगी। इसलिए आप चुप मत बैठिए, आप इसी वक्त आवाज़ उठाइए, ये अप्रैल में लागू होने से पहले, ताकि सरकार ये जो कानून में त्रुटियां हैं इनको समझे और आपको इससे बचाने के लिए कुछ अदल बदल करे या कुछ नोटिफिकेशन में चेंजेस लाए, ताकि इसका इम्पैक्ट आप पर ना हो। आप चुप रहेंगे तो सरकार को भी नहीं पता रहेगा और ये सरकार बदलेगी भी नहीं। खैर, आप इसीलिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि आप जैसे लोग आवाज़ बुलंद करें अपनी। और हाँ, न्यूज़ क्लिक के इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ की दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें अगर आपको असली खबर, असली विश्लेषण देखना हो तो न्यूज़ क्लिक ज़रूर देखिए। We'll be right back.